फ्रेंड्स वेलकम टू श्री डार्क पब्लिक इंटर कॉलेज लक्ष्मी महोदय मोहनापुर। आज हम आप लोगों को इंग्लिश मीडियम क्लास 8 के इंग्लिश का फर्स्ट पेपर फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट लेसन जो है आज हम आपको बताएंगे। और यूं तो पोयम की कोई सीमा नहीं होती है, किसी भी क्लास में आ सकता है, वन से लेके ट्वेल्थ तक आ सकता है, या आगे जाएंगे तो MBA में भी आ सकता है। तो इसलिए हम आप लोगों को बताएंगे फर्स्ट लेसन का। तो इसमें लेसन का नाम जो है द लॉस्ट डांसेज ऑफ क्रेंस। थोड़ा सा आप लोगों को हम बात बताना चाहते हैं कि यह जो पोएट जो है जूलियट दिया है कि जो जूलियट विल्सन जो है, ये जो कवित्री है, जो पोएट है, ये ब्रिटिश की रहने वाली है, ब्रिटिश की है। तो उन्होंने देखा कि इस चैप्टर को बनाने से पहले उनके दिमाग में ये सूझा कि एक बार वह कहीं घूम रही थी, किसी जगह पे फील्ड में मैदान में घूम रही थी, और बहुत देखेंगे बहुत से ऐसे जो है क्रेन जो है सारस जो पक्षी होते हैं, सारस जो है उनको क्रेन भी कह सकते हैं, सारस भी कहते हैं। तो वह पक्षी जो है वहाँ पे टहल रहे थे, घूम रहे थे, और जो है अपना बड़े बड़े गर्दन, उनकी जो बिग गर्दन होती हैं, लंबी लंबी गर्दनें होती हैं, उनके लेग भी जो है लंबे लंबे होते हैं। तो उस तरह से जो है उनको देखे तो उनको एक अजब तरह का जो महसूस फीलिंग हुआ। तो उन्होंने उनके बारे में सोचने लगे जो फर्स्ट टाइम जो गई थी, लेकिन जब देखी और वह जो जगह एरिया जो था पूरा ओपनली खुला हुआ था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब वो पोएट कवित्री जो जाती हैं वहीं जगह पे, उसी स्थान पे जाती हैं, तो देखते हैं कि वह सारस पक्षी जो है, वह क्रेन जो है, वह जो है वहाँ पे वे नहीं है। तो इसका मीनिंग हम बताएंगे आपको कि जो है क्रेन्स मीन्स जो होता है, क्रेन भी होता है, क्रेन्स मान होता है, सारस भी होता है और क्रेन भी होता है। क्रेन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो है पक्षियों में होते हैं और दूसरा जो होते हैं क्रेन वो होते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन लाइन की बिल्डिंग में जो हम कार्य करते हैं, तो उसे उसी का नकल देके जो है हमारे जो पोएट जूलियट विल्सन ने जो है इनके बारे में जो है लिखा। इसलिए उनके बारे में जो है लिखा और लिखने के बाद जो है उन्होंने ये बताया कि जिस जगह जो है क्रेन सारस जो पक्षी रहा करते थे, क्रेन रहा करते थे, लेकिन वह जगह जो है अब वहाँ पक्षियाँ वह नहीं हैं, वहाँ पे क्रेन कार्य कर रही हैं। जिस प्रकार से जो क्रेन जो एक पक्षी होती थी उसी तरह से जो हरकत करती थी, उसी तरह से जो है दौड़ना वर्क करना, ठीक उसी प्रकार से जो है कंट्रेशन का जो क्रेन होता है वह कार्य कर रही है। तो क्रेन कई तरह के होते हैं, लेकिन जो है हम सिर्फ क्रेन के बारे में बात करेंगे। तो आप कहते हैं लेसन के बारे में, लेसन क्या बता रहा हमें, कह रहा है कि द लॉस्ट डांसेज ऑफ क्रेन, कह रहा आगे कि ये क्रेन कह रहा है, ये जो पक्षी कह रही हैं, कभी उनके बारे में बताया, उनको फीडिंग करके बताया, उनके बारे में बताया है कि क्रेन जो कह रही हैं कि डांस माने डांस कर रही हैं, लॉस्ट माने खो चुकी है, यानी जो सारस जो पक्षी जो थी, क्रेन जो थी, वो पहले जब डांस करती थी लेकिन अब वो डांस नहीं कर रही है, इन्हीं के बारे में इस लेसन में जो है बताया गया है। फिर कभी क्या कहता है, कहता है लेसन पर चलेंगे कि योर फील्ड आर इम्पटी नाउ, कह रहा आगे कि है सारस पक्षियों की तरह इशारा करता है, क्रेन की तरह इशारा करता है, उसी की तरफ कहता है कि हे सारस, हे क्रेन, योर फील्ड यानी तुम्हारा मैदान जो था जहाँ पे तुम रहते थे, लेकिन आर इम्पटी नाउ, अब वह तुम्हारा मैदान जो है, जो फील्ड है, अब खाली हो चुका है। पहले जो सारस पक्षी रहा करते थे तो पूरा फील्ड भरा हुआ था, लेकिन अब जो है वह सारस पक्षी जो है वहाँ से चले गए, वह क्रेन्स वहाँ से चले गए। तो उसी के बारे में जो है पोएट जूलियट विल्सन बताती हैं कि योर फील्ड आर इम्पटी नाउ, तुम्हारा जो मैदान था नाउ माने अब, इम्पटी माने खाली, अब तुम्हारा जो है वो फील्ड क्या हो गया, मैदान खाली हो गया है। ओनली योर घोस्ट डांस, कह रहा कि किस स्थान पे तुम रहा करते थे, लेकिन अब जो है वहाँ पर घोस्ट, घोस्ट माने होता
भूत, लेकिन भूत से मतलब नहीं है। वहां पे जो है भूत क्या कर रहे हैं, वहां पे डांस कर रहे हैं, वहां पे डांस कर रहे हैं। कहे ओनली योर घोस्ट डांस, यानी जो तुम्हारी परछाई थी पहले, जो तुम वहां पर खेला करते थे, कूदे कूदे करते थे, या कह लिया जाए कि वहां पर तुम लोग जो भी हरकत किया करते थे, दौड़ते थे, कूदते थे, वह तुम्हारा केवल वहां पे भूत ही डांस कर रहे हैं, ना कि तुम डांस कर रहे हो। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम में थर्ड टाइम में चलेंगे कि व्हाई द ट्रेंड्स ऑफ द अनदर काइंड, कह रहा आगे कि कह रहा है कि अनदर, अनदर माने दूसरा, अनदर काइंड माने दूसरे प्रकार के जो ट्रेन है वहां पे कार्य कर रही है, लेकिन जो कार्य जो इस स्थान पर तुम रहा करती थी वो स्थान पर अब दूसरे तरह के, दूसरे तरह के जो है वह ट्रेन काम करती है, कर रही है। और कह रहा आगे कि डांस सिटी इनटू बीइंग, कह रहा आगे कि उस जगह पर अब जो है दूसरे प्रकार के जो क्रेन है अपना डांस करते हुए सिटी माने शहर को बना रही है। किसको बना रही है? सिटी को बना रही है। तो वही कह रहा है कि वाई द ट्रेन ऑफ द अनदर काइंड, अब तुम्हारे जैसा दूसरा क्या है, क्रेन जो है कार्य कर रही है, और वह क्रेन जो है डांस कर रही है, और सिटी माने शहर को परिवर्तन कर रही है, यानी कुछ स्थान को जिस स्थान पर तुम रहते थे उस स्थान पर अब सिटी का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद कह रहा आगे कि आर दैट रिमाइंड ऑफ योर यू आर, अब यहाँ पे पोएट जूलियट विल्सन कहती है, क्या कहती है कि आर दैट रिमाइंड ऑफ योर यू आर, कह रहा है कि अब वह याद करने योग्य है, अब वह याद करने योग्य है। तो वही कह रहा है कि आर दैट, यानी अब सभी तरह के जो चीजें हैं सिर्फ याद करने लायक है, कह रहा है कि फीलिंग क्रेक्स ऑफ योर द एनर्जी, कह रहा है कि जिस एनर्जी से तुम कार्य करते थे, जिस एनर्जी से तुम अपने आप को फीलिंग क्रेक करते थे, उसी तरह से जो है वहाँ पे जो कंडक्शन लाइफ जो क्रेने हैं वहाँ पे कार्य कर रही हैं, जिस प्रकार से तुम अपने एनर्जी के साथ वहाँ पे कार्य करती थी, उसी तरह से जो है कंडक्शन लाइफ का जो है जो क्रेन है वह कार्य कर रही है। अब कह रहा है कि एंड द साउंड ग्रेनिंग वीडियो फुटेज, फिर यहाँ पे जूलियट विल्सन कहती हैं कि कह रहा है कि साउंड ग्रेनिंग वीडियो फुटेज, अब तो सिर्फ उसका वीडियो बाकी रह गया, उसका फोटोज ही बाकी रह गया, अब हम उसका सिर्फ वीडियो ही देख सकते हैं, या तो उसको उसका फुटेज भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की चेंजा में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो नेक्स्ट की चेंजा हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बता रहा आगे कि दैट पीपुल इन द न्यू सिटी, दैट पीपुल इन द न्यू सिटी, कह रहा आगे कि जिस जगह पे क्रेन रहा करती थी, पोएट जूलियट विल्सन कहती है लास्ट की चेंजा में कि दैट पीपुल इन द न्यू सिटी, कि जिस जगह पे सारस या क्रेन रहा करती थी, अब दैट पीपुल वह जगह जो है लोगों के लिए बन गया है, पीपुल माने लोगों के लिए बन गया है, और किस लिए बन गया है, न्यू सिटी यानी किसको रहने के लिए, लोगों को रहने के लिए उस जगह को नया सिटी बना दिया गया है, या नया सिटी हो गया है, यानी जिस जगह पे जो है क्रेन रहा करती थी उस जगह पे जो है लोगों को रहने के लिए जो है सिटी बना दिया गया है। फिर कह रहा आगे कि दैट विल वाज टू मार्वल, कह रहा आगे कि वाज टू मार्वल, कह रहा कि अब केवल देखने योग्य हो गया है, यानी पोएट कहती है कि पहले हम उन चीज़ों को देखते हैं थे जहाँ पे सारस यानी क्रेन रहा करते थे, उन चीज़ों को मैं हम लोग सोचते हैं कि पहले वह लोग जो है रहा करती थी, लेकिन अब जो है उन्हीं के स्थान पर जो है नया सिटी बन गया है, न्यू सिटी बन गया है, अब तो हम केवल ही देखते ही हैं, मार्वल करते हैं, केवल जो है हम आश्चर्य से देखते हैं, मार्वल मीन्स होता है आश्चर्य से देखना, आश्चर्य से जो है हम देखते हैं। और कह रहा है कि एट द वर्ल्ड, एट द वंडर्स द वर्ल्ड, कह रहा है कि यह संसार जो है
वर्ल्ड में संसार जो है वंडर वंडर्स केवल आश्चर्यजनक है, और वे जो है कौन सारस जो पक्षी है क्रेन जो है वे दर्दर भटक रही है, लेकिन लोग जो है उनके स्थान पे जो है वह अपना नया कंस्ट्रक्शन का कार्य करके जो है एक न्यू सिटी बनाकर आराम से रह रहे हैं। तो ये कुछ जो चैप्टर है हमारा समाप्त हो गया, और हम कुछ मीनिंग जो है हार्ड मीनिंग है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्रेन मैंने बताया, सारस पक्षी का सारस भी कह सकते हैं, और ये क्रेन जो लिखे हैं ये क्रेन वह क्रेन है जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो है टावर क्रेन का कार्य करती है। बड़े बड़े क्रेन जो होते हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो है अपनी भूमिका निभाती हैं, और फीडिंग में होता है सनक जाना या सनकी हो जाना यानी कार्य में मन लगाना। उसके बाद फोटो मिस होता है फिल्म का हिस्सा यानी फोटो, कोई भी फोटो बनाते हैं तो उसका एक पार्ट बनाते हैं तो उसी को हम फोटेज बोलते हैं। और मार्वल मिस होता है जो है आश्चर्य की भावना से बात करना, आश्चर्य से देखना होता है। और वंडर्स मिस होता है भटकना या आश्चर्य होता है, ये भटकना जो है क्रेन के लिए है और यह जो है पोएट देख रही है उसके लिए आश्चर्य है। तो यहाँ पर हमारा लेसन जो है लेसन वन जो है लेसन वन आप जो है हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत आप लोग को मालूम होगा, बहुत अच्छी तरह से जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक ना, आई वे नाइस डे। क्लास एट के जितने भी बच्चे से मैं चाहूँगा कि जो भी लेसन में कहीं मीनिंग हार्ड लगे या आप लोग को समझ में ना आए, या आप लोग जो है उस मीनिंग को समझ नहीं पा रहे हैं या उस अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप मैसेज के द्वारा आप सेंड करेंगे तो हम लोग उसको अच्छी तरह से समझाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई करिए और लेसन को आप कंप्लीट करके जो है आप इसका अर्थ बनाइए, उसके बाद जो है मीनिंग की कॉपी बनाइए और जो कहीं समस्या हो उसको समस्या का जो है वो करिए, और उसका जो नोटबुक बना के जो है इसको राइटिंग करके जो है आप जो है मैसेज करेंगे।